जी जना, वन सेकेंड, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी हमें टैलेंटेड इंसान, शख्सियत किसी की भी सामने आ जाए तो हम उसे फ़ौरन अपने शो पे बुला लें और आप लोगों के सामने उसके टैलेंट को लेकर आएं, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की, वाकई ये बात सच है, टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो फिर पढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर वो बड़ों में भी शामिल हो जाती है चीज़। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के लोग हमारे शो पर आते हैं, हम उनसे उनकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, बेहतरीन स्केचर हैं, और किस तरह के वो स्केचेस बनाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उन्होंने स्केचिंग क्यों ही प्रोफेशन एज अ चूज़ की, उस पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए गए चलो उनके वेलकम करते हैं और फिर उन्हीं से सारे सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप वो वाली जो शख्सियत होती है ना, आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाला, मुझे लगता है आप उस टाइप के इंसान होंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल, इसी ऐसा ही है। हाँ जी। तो ये मुझे बताएं कि कब से आपने जो है वो इस आर्ट का आगाज़ किया और क्यों किया? मतलब कोई आपने कहीं माहौल देखा ऐसा, या आपके घर में पहले से ही लोग थे जो इसके इंटरेस्ट रखते थे? किस तरह से शौक पैदा हुआ आपके अंदर? ये मैं बचपन से ही बनाता था, मैंने बाबा को बनाते हुए देखा था। देखा तो, घर में कोई था? ओके, आई गॉट इट। तो अब्बू भी जो थे वो आपके इसी तरीके के स्केचेस करते थे? नहीं, बस नॉर्मल डायग्राम वो हेल्प करते थे हमें होमवर्क के लिए, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, जो आपके प्रैक्टिकल जर्नल्स होंगे फिर तो बड़े बेहतरीन होंगे वो तो। जी बिल्कुल। बचपन से आपको आइडिया हो गया था कि मैं स्केचिंग में जान डाल देता हूँ? बिल्कुल। ओके, सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि सिर्फ स्केचिंग ही क्यों? क्योंकि अगर इस शोबे को हम देखें, इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स भी अब हो गई हैं, स्कल्पचरिंग है, पेंटिंग है, तो लैंडस्केपिंग है, क्योंकि आर्टिस्ट के अगर हाथ में ब्रश है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, यू नो, टैलेंट और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो सिर्फ स्केचिंग की तरफ क्यों आप गए? मुझे सिर्फ स्केचिंग ही अच्छी लगती है, दूसरी चीज़ों में टाइम ज़्यादा कंजम्प्ट होता है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता? इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनिस्बत उनके, उनमें तो आपको जो है आपका प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा दिन लग जाते हैं। इसमें एक दिन मैक्सिमम अगर आप यानी कि टाइम दें प्रॉपर इसको तो वो जल्दी बन जाती है। ये आपकी महारत पर तो नहीं डिपेंड करता, क्योंकि ज़ाहिर है आप किसी चीज़ में बड़े अच्छे माहिर हों तो फिर तो आप कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। क्या पता आप स्कल्पचरिंग अगर माहिर हो जाते तो वो भी आप इतने कम टाइम में कर लेते। कभी ट्राई नहीं किया? कभी ट्राई नहीं किया। ओके, सबसे पहला स्केच याद है क्या, कौन सा बनाया था? मैंने स्कल बनाया था। स्कल बनाया था? हाँ जी। और आपको कैसे लगा कि भाई ये तो कमाल कर दिया मैंने? मैंने अपने दोस्तों को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि ये आपने नहीं बनाया, तो मैंने उनको उसी टाइम दोबारा बना के जब मैंने ये चीज़ दिखाई तो उनको फिर यकीन आया। हाँ जी, उनको फिर यकीन आ गया। ओ माय गॉड, मतलब वो मोमेंट तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त मोमेंट होगा। जी बिल्कुल। वो आपने रखा हुआ है अपने पास अभी तक संभाल वो के? मेरे पास घर में पड़ा हुआ है। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एज अ स्केचर, आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी आप स्केचिंग कर रहे हैं, काम चल रहा है, और ज़ाहिर है बंदा रिसर्च भी करता है जिस तरह से आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो गई है, तो क्या आप समझते हैं क्या स्कोप है स्केचिंग का? ये ज़्यादा स्केचेस को लोग पसंद नहीं करते बिल्कुल। क्यों? बनिस्बत वो कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ये अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, इस लिहाज से वो इसको अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं समझते। मेरे देखने के मुताबिक आर्टिस्ट की ज़्यादा कदर नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ बेहतरीन स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं, पेंटर्स भी हैं, एक से एक बड़ा नाम, स्केचेस में बहुत अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग हैं, और अब दुनिया के सामने अगर आपका काम इतना अच्छा आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो के इतना उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सी अच्छी तस्वीर बनाई हैं, दोस्तों की भी बनाई हैं, रैंडम भी मैंने बनाई हैं, लेकिन उसको देख के वो एज सच यानी कि कोई उनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं होता, बस देख के बस ये बनाया है आप। अच्छा, इस तो तरह मतलब अभी तक लोगों को पता प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हुई। जी बिल्कुल। तो अवेयरनेस होने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को और जितनी भी दुनिया है उसमें, कि अगर आप मुख्तलिफ ममालिक देखें उसमें कितने टैलेंट को सराहा जाता है। छोटी सी भी कोई चीज़ है, अब एक बंदे ने कोई एक इक्विपमेंट से, आपने समझो एक फ्लूट ही बजा रहा है, वो भी एक उसका एक डिफरेंट सा टैलेंट है, तो स्केचिंग तो एक और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा काम हो जाता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैंने ये जो अपना स्केचिंग का था, मैंने प्रोफेशन था, इसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे दोस्तों ने कहा, मेरी फैमिली ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू रखें, कोई पसंद करता है तब भी ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक, आप बना रहे हैं ना, हमें तो आपकी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपके कोई मेंटोर रहे, किसी से आपने सीखा, कोई आपकी, खैर इंस्पिरेशन तो आपने बताया आपके फादर थे,
तो सीखा भी आपने उनसे या खुद से ही आपको आ गया करते करते? गॉड गिफ्टेड ही है। वाओ, मतलब बगैर सीखे हुए आप इतने परफेक्ट, माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपको तो मौका नहीं मिला सीखने का क्योंकि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिन लोगों को आजकल की अगर जनरेशन है उन्हें अगर सिखाया जाए और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर ये स्केचिंग हो सीखने के लिए और अच्छे मेंटर्स रखे जाएँ, तो वुड यू प्रेफर कि आप इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहेंगे या अलग से टीचिंग करना चाहेंगे इस हवाले से? इन फ्यूचर मेरा है तो सही इरादा इस बारे में। अच्छा, टीचिंग के लिए। टीचिंग के हवाले से कि आप खुद से करोगे या किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होना चाहोगे? मैं खुद से ही करना चाहूँगा। ओके, अच्छा, आपके पास एक यहाँ बुक भी पड़ी हुई है, उसमें मुझे मालूम है ढेर सारा खजाना मौजूद होगा आपकी स्केचिंग के हवाले से, तो ज़रा आप हमें दिखाएँ और फिर हमें बताते भी जाएँ कि ये क्या चीज़ है और ये किस मोमेंट में आपने तैयार की है। ये सबसे पहले मैंने हॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी मैंने स्केच बनाया था, पोर्ट्रेट जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाई किसी वजह से। ये कौन है बताएं ना प्लीज। ये हैं, मैट्रिक्स मूवी भी इन्होंने की थी, अभी नाम मुझे रियानो कीफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जोकर बनाया था मैंने। okay. ये मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी एक्टिंग पसंद है, हीथ लेजर की। और वाओ, ये मैंने स्कल बनाया था। ये उसी से इंस्पायर्ड है जो आपका फर्स्ट वो था डिजाइन? जी बिल्कुल। ओ ग्रेट। ये मैंने कॉन्ग बनाया था। ओ किंग कॉन्ग। सही। और ये मैंने राजस्थानी कल्चर को देख के मैंने बनाया था। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। ये क्या बनाया? नहीं। ये मैंने नन बनाई थी। ओ, ये इस तरह से क्यों है? और ये बारबरा पेल्विन है, मॉडलिंग करती है। ओके, खैर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, इनकी जो ऑब्जर्विंग नेचर होती है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है हर चीज़ को देखने के बाद। स्केच या कोई उनका जो आर्ट से रिलेटेड है वो बना लेते हैं। ये क्या भाई, इतना ख़तरनाक कोरोना तो नहीं है? ये वैनम बनाया था। वैनम। ओके, स्पाइडरमैन मूवी के अंदर था ये। एग्जैक्टली, वेनम की तो खैर अलग से मूवी भी आ गई है। जी जी। तो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वेनम का जो कैरेक्टर है ये क्या है। उसके अलावा मैं ये स्टिपलिंग आर्ट भी बनाता हूँ। वाओ, ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक टाइम आपको चाहिए होता है कि बहुत सुकून हो, रिलैक्सिंग माहौल हो, कोई मेरे पर जिम्मेदारी ना हो, या कभी भी कहीं भी खड़े होकर आप बना सकते हैं? नहीं, मुझे ज़हनी सुकून चाहिए इस काम के लिए बिल्कुल। अच्छा। यानी कि कोई बर्डन ना हो दिमाग के ऊपर बंदा, फिर इजीली मैं बना सकता हूँ। अगर स्ट्रेस होती है तो फिर मैं नहीं बना सकता। सही है कि कोई चीख रहा है, कोई बोल रहा है कि इधर आ जाओ, ये काम कर दो, कहीं जाना है, हमें लेके चलो, घरों में जैसे अक्सर बेटों के साथ हो रहा होता है या दोस्त अहबाबों में हो रहा होता है। और नॉर्मली भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि वो इतनी ज़्यादा झमघटे के अंदर बीच रोड में खड़ो के अपनी स्केचिंग और पेंटिंग कर रहे होते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कि पीछे शोर शराबा हो रहा है, लोग गुजर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें कहीं जहन उनका कहीं और बढ़ता ही नहीं है। मेरे साथ उलट है। उलट है, आपको सिचुएशन बिल्कुल रिलैक्सिंग चाहिए। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया अथर साहब, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। बहुत खूबसूरत स्केचेस हैं आपके, इनके ऊपर मज़ीद आप काम करते रहें और इसको और वास्ट करते रहें। और सबसे अच्छी बात ये कि आप सिखाएं लोगों को, ताकि ये जो स्केचिंग का सिलसिला है ये एक जगह रुक ना जाए, ये नस्ल दर नस्ल हमारी नई आगे जनरेशन में ये स्प्रेड होता रहे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।